Hi everyone, welcome to Auto Rounders. And after a very long time, now we got this BMW 530D. और ये कार बहुत स्पेशल है बिकॉज इनके जो कस्टमर है मिस्टर साई प्रसाद, वो हमारे काफ़ी मतलब अच्छे कस्टमर है, काफ़ी टाइम से हमारे टच में थे. आई थिंक एक साल से ज़्यादा हम टच में है फॉर डिफरेंट रीजंस. और उन्होंने हमारा एक GLS का वीडियो देखा था जो मर्सिडीज़ का हमने किया था. इवन दैट कार बिलोंग्स टू कर्नाटका एंड ही सॉ दैट वीडियो एंड देन ही डिसाइडेड कि उनको अपनी BMW जो है वो भी करनी है. ही इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर अ GLS टू डू समथिंग सिमिलर. बट बिफोर दैट दिस इज़ द प्रोजेक्ट गाइज, BMW 530D. एक तो पहली बार तो 530D मतलब इसको चलाने में बहुत ही मज़ा आता है. बट अदर देन दैट, इफ़ यू लुक एट द करंट कंडीशन, कार हैज़ बिकम डल, क्योंकि गाड़ी ऐसी स्पोर्टी है कि इसको बहुत यूज़ किया हुआ है. तो इस कार को हमने जब डिस्कशन किया था, सो देयर वाज अ बॉडी किट अवेलेबल, बट व्हेन वी सॉ द बॉडी किट इट वाज ऑलमोस्ट सेम. सो एट ऑटो राउंडर्स एटलीस्ट वी डोंट डू समथिंग कि भाई आपको आपने बोला कि बॉडी किट डाल दो तो हमने बोला ठीक है डाल देते हैं. जस्ट टू मेक द बिल वी डोंट डू इट, बिकॉज व्हेन वी रियलाइज कि दोनों में हार्डली कुछ फ़र्क है तो व्हाई टू डू दैट, बिकॉज दिस कार हैज़ लॉट ऑफ मैकेनिकल इशूज़ एज वेल. तो हमने सोचा कि हम बॉडी किट पे स्पेंड ना करें और मैकेनिकल जो इश्यूज़ है इसमें, फ्रंट बम्पर, रेयर बम्पर, स्टेयरिंग रैक, ब्रेक, सर्विस, वो सबको हम प्रायोरिटी पे लें और उसको पहले करें. BMW 5 सीरीज डीजल है, अपना रेगुलर 5 सीरीज नहीं है, जो कि 4 सिलेंडर रहता है. ये थोड़ा अलग है, ये 6 सिलेंडर है, जो कि 7 सीरीज में भी सेम इंजन यूज़ रहता है और X6 में भी. तो काफ़ी पावरफुल कार है और हैवी भी है. तो इसमें मेजर मैकेनिकल है, ऑल द वे कर्नाटक से गाड़ी आई है ये. तो इसमें क्या जमीर भाई मैकेनिकल है ज़रा बताओ ना. इसमें जैसे कि हम लोग कर रहे हैं कि मेजर जॉब है इसके अंदर मैकेनिकल. इसमें सस्पेंशन से लेके स्टीयरिंग ब्रेक सस्पेंशन ओवरऑल कर रहे हैं. ये चारों शॉक अप गए हुए इसके, जैसे दोनों शॉक आप देख सकते हैं पूरा लीकेज है. ठीक है, ये हमने नया मतलब डिस्पेंडल करके रिफिल इसका बना दिया है. और ये सब पार्ट्स चेंज होंगे, ये लोअर आर्म है, कंट्रोल आर्म है, इसमें स्टेबलाइजर लिंक है, अपर आर्म है, और स्टीयरिंग रैक भी अपना बन के आ गया. ठीक है, ये हर कोई बनाता नहीं जैसे कि हम लोग बना रहे हैं ऑटो राउंडर में. और अपना ये लिंकेज, अपना टायर और बॉल जॉइंट सब बने इसमें लग गए. ठीक है, बस ये जूने पार्ट वगैरह है सब इधर, अभी फिटिंग चालू होगी हम लोग की. तो अभी गाड़ी तो सेम नए जैसी हो जाएगी बिल्कुल. ठीक है, इतने पार्ट क्योंकि चेंज हो रहे हैं मेजर जॉब में. कार का पेंट जो है काफ़ी जगह पे डेंट्स और छोटे छोटे स्क्रैचेस है, तो डेफिनेटली पेंट हम ज़रूर करेंगे. बट द कलर दैट वी आर सिलेक्टिंग इज़ ब्राइट पर्ल. तो गाड़ी जो अभी डल दिख रही है येलो टोन में, वो नहीं होगी, उसके बाद इट विल लुक मच मच बेटर.
ओवरऑल गाड़ी अच्छा हो गया। आपको पैनासोनिक दिखा था लेक्सस वाला? हाँ वो दोनों भी येलो टोन था, मेरे को नहीं अच्छा लगा। ब्राइट है उससे थोड़ा। हाँ मेरे को ब्राइट ही चाहिए था। हाँ ये ऐसे ही चाहिए था, ब्राइट पॉल चाहिए था। वो दोनों भी है ना, और टोयोटा के ऐसे भी जो पॉल शेड्स रहते हैं ना वो थोड़ा येलो टोन पे ही रहता है। तो बाहर तो ये सारे चेंजेस कर देंगे, बट इंटीरियर अगेन ही वॉन्ट्स टू रिस्टोर, तो इंटीरियर भी एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। That's the interior of this car, guys. First of all, it's 530D. So steering is amazing. But चीज़ें जैसे कि अभी आप देखेंगे तो ये पूरा सीट जो है वो ओवर द ईयर ऑफ यूजेज ख़राब हो गया है, प्लस इट्स लुकिंग वेरी डल। जो सीट का मटेरियल है, जो लेदर है, वो भी हार्ड हो गया है, तो इट्स नॉट लाइक हाउ कम्फर्टेबल इट वॉज, अभी वैसा नहीं है। तो अभी हम चाहते हैं कि इसको ज़्यादा कम्फर्टेबल करें, बट छोटी छोटी चीज़ें जो इसमें हो गई है, बिकॉज आई डोंट नो इफ द सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल देयर और आई एम नॉट श्योर कि वाई, बट प्लीज़ आप देख सकते हैं कि ये जो हैंडल है इसको रिस्टोर किया हुआ है, बट ये लेदर और ये लेदर मैच नहीं हो रहा है। प्लस ये जो पर्टिकुलर पैनल है, यहाँ पे BMW का एक स्टैंडर्ड इशू है, ये पूरा जो है ना स्टिकी हो जाता है, तो यहाँ पे एक रबराइज मटेरियल होता है, तो इंडिया में मतलब काफ़ी धूप रहती है तो ये पूरा मतलब चिपक जाता है, तो रबर पिघल जाता है, तो ये पर्टिकुलरली BMW में इशू है। तो इसको रिस्टोर करने के बजाय उनके उसके ऊपर उन्होंने वुडन पैनल कर दिया है। सो आई डोंट नो कि ये नहीं करना चाहिए था, बट आई एम श्योर कि उनको वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला होगा। दैट इज़ द रीज़न द कार हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम बैंगलोर टू मुंबई। अच्छा 5 सीरीज वाले का, अरे बाप रे। सुफियान भाई देखो, बहुत अच्छा है, फिनिशिंग बहुत अच्छा। मेरे को लगता है BMW में ओरिजिनल भी जो था वो भी इतना अच्छा नहीं था, उसमें लहर आ गई थी ना। हाँ जबरदस्त है यार, मतलब एकदम कांच के जैसा आया है पूरा, ये पूरा टू गुड। सो दिस इज द सेम BMW 5 सीरीज, अभी उसका इंटीरियर भी हम लोग पूरा लेदर में कर रहे हैं और उसके वुडन भी सब खराब हो गए थे, तो फिर से हम लोग कर रहे हैं। एंड दिस इज द शेड, एंड जस्ट लुक एट दिस, मतलब आई डोंट थिंक इट कैन बी बेटर देन दिस। बहुत सही बनाया खान भाई। तो फाइनली भी गाड़ी रेडी हो चुका है, आपने देखा कि इसमें मैकेनिकल काम हो गया है, एक्सटीरियर इंटीरियर इंफोटेनमेंट सिस्टम एलोजर टायर्स भी डाले आफ्टर मार्केट। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द आफ्टर वीडियो। सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू ऑटो राउंडर्स, दिस इज सतीश मंडालिया। और आज की जो गाड़ी है BMW 5 सीरीज, मतलब ये गाड़ी अभी मैं ऐसे देख रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये मतलब अगर किसी के पास 5 सीरीज होना तो ऐसी होनी चाहिए। मतलब जस्ट लुक एट दिस कार गाइस, एकदम शोरूम कंडीशन में है अभी ये। मतलब जब हमारे पास ये गाड़ी आई थी काफ़ी सारे इश्यूज थे इसमें, आई थिंक उसका मिरर डैमेज था, एक हेडलाइट डैमेज था, एंड इंटीरियर तो काफ़ी हद तक मतलब लेदर में इश्यूज़ थे। बट राइट नाउ इफ़ यू सी द कार, आपको ये गाड़ी में कोई भी इश्यूज़ नहीं दिखने वाले, क्योंकि पूरी गाड़ी को हमने पेंट किया हुआ है। दिस कार हैड कम फॉर MKT ऑल्सो,
बट कहीं ना कहीं हमने उनको बताया था कि जो एम किट है प्लस इनकी जो 530D है, तो इसमें और उसके बंपर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वी सेड कि वाई टू स्पेंड ऑन दैट। जब उन्होंने पता चला कि भाई एम किट में इतना खर्चा हो रहा है वो बचने वाला है, तो फिर उन्होंने अपना इंटीरियर भी हमसे कर लिया। तो इसमें इंटीरियर जो है वो भी हमने जेन्युइन इटालियन लेदर में किया हुआ है। सो दिस फुल कार हैज़ बीन रिस्टोर्ड, इट्स नॉट मॉडिफाइड। तो हमने इसको पेंट किया हुआ है पेंट बूथ मशीन में। ऑल द मटेरियल दैट वी हैव यूज इज 100% इम्पोर्टेड फ्रॉम जर्मनी, और वही मटेरियल है जो ऑडी बी एम और मर्सिडीज में यूज़ भी होते हैं। सो दैट्स वॉट वी हैव यूज। उसके साथ साथ आई थिंक राइट साइड की हेडलाइट थी वो थोड़ी सी डैमेज थी, वो हमने रिपेयर करवाई है। बट टू गिव अ फ्रेश लुक बाहर से हमने इसके अलॉयज चेंज किए हुए हैं। सो राइट नाउ दीज अलॉयज आर मोर स्पोर्टियर देन वॉट इट वॉज ओरिजिनली, प्लस हमने मिशलिन के टायर्स भी इसमें डाले हुए हैं। तो पूरी गाड़ी अगर आप बाहर से देखेंगे तो बहुत सही बन गई है। एनीथिंग अदर देन दैट इन टर्म्स ऑफ लाइट्स, हेडलाइट, टेल लाइट्स और कुछ भी नहीं किया हुआ है, हमने इसको रिस्टोर किया हुआ है। बट मोर इम्पॉर्टेंट, ये गाड़ी ऑल द वे हमारे पास कर्नाटका, आई थिंक बैंगलोर से हमारे पास मुंबई में आई हुई है, और इसके बाद इनका और एक प्रोजेक्ट है मिनी कूपर, वो भी करने वाले हैं। इंटीरियर जो है वो भी हमने प्रॉपरली रिस्टोर किया हुआ है। सो जस्ट लुक एट दिस, आपको लगेगा भी नहीं कि ये सीट कवर्स बने हुए हैं, ऐसे ही लगेगा कि ओरिजिनल कंपनी से ही दिए हुए हैं, क्योंकि जो हमने काम भी किया है वो 100% ओरिजिनल कंपनी के हिसाब से किया हुआ है। ये सारी चीज़ें अगर आप फिटिंग में देखेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल इफ़ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस पीपल। तो हमने इसको प्रॉपर तरीके से किया हुआ है। आज भी अगर एक गाड़ी कहीं पे भी जाएगी तो ऐसे ही लगेगा कि ओरिजिनल दिया हुआ है। और ये एक चीज़ नहीं थी कि खाली सीट कवर्स में थी, सामने भी पूरा लेदर है, यहाँ पे भी सब जगह पे लेदर है, तो हर एक चीज़ को हमको ढंग से करना पड़ा था। एंड तब तक मतलब ये चीज़ें में ऐसी है कि वंस यू सेट, अगर आपको लगेगा कि गाड़ी का कंफर्ट चला गया, तो आप इमेजिन करो कि BMW जैसी गाड़ी में आप ये सब करवा रहे हो और अगर उसका इंटीरियर ढंग से नहीं बना तो देन इट्स कम्प्लीटली वेस्ट। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ऑटो राउंडर्स में कराएं, जहाँ पे भी कराएगा प्लीज़ एक बार देखिएगा कि उनके पास एक्सपीरियंस लोग हैं, लेदर का काम कर रहे हैं, तो उनको एक्सपीरियंस हो उस चीज़ का तो बेटर होगा। अदरवाइज़ कुछ ख़राब हो गया तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको फिर से रिप्लेस करना। इवन अगर आप देखेंगे तो एग्जिस्टिंग सिस्टम जो हमने उसको भी रिप्लेस किया हुआ है, नाउ इट्स अ प्रॉपर एंड्रॉयड प्लेयर विथ एप्पल कारप्ले, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम हो गया है। तो गाड़ी ओवरऑल इज़ नाउ गुड टू गो फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। एंड वन मोर थिंग आई फॉरगॉट, आपने अगर इनिशियली इसके जो लेदर वुडन फिनिश देखे रहेंगे तो हर एक जगह पे अलग अलग वुडन किया हुआ था, अभी आप देखेंगे तो प्रॉपर वुडन किया हुआ है। यहाँ पे भी ब्लैक कलर का पेंट किया हुआ था हमने, वहाँ पे भी वुडन किया हुआ है। सो ऑल दीज पैनल्स जहाँ पे भी है वो सब हमने प्रॉपर फिर से वुडन फिनिश में किया हुआ है। सो एज आई सेड, काफ़ी अच्छे कस्टमर हैं, उनकी दूसरी गाड़ी भी हमारे पास आने वाली है, आई थिंक इट्स मिनी कूपर। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई BMW है और आपको उसको रिस्टोर कराना है, इनफैक्ट अभी ये वाले मॉडल जो F10 मॉडल है उसका G30 वर्जन का जो एक 2021 मॉडल है उसका फेस लिफ्ट भी हमारे पास आ चुका है, तो अगर आपको वो भी करना है तो वो भी पॉसिबल है। सो एनीथिंग लाइक दिस यू वांट टू डू रिस्टोर, मॉडिफिकेशन, जो भी आपको करना है, डेफिनेटली यू कैन कम टू ऑटो राउंडर्स। हमारा मुंबई का नंबर है 7666-930-930, हैदराबाद 7666-830-830, एंड पुणे इज 9206-630-630। देयर इज वन मोर नंबर 8425-808080। सो आई होप आपको ये गाड़ी पसंद आई हो, इंटीरियर भी पसंद आया होगा, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।